हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 37 नंबर मैच के बारे में, और ये मैच खेला जाने वाला है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स और RR यानी राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और ये मैच होने वाला है 19 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ दोनों टीमों में से कौन सा टीम जीतने वाला है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन एकदम भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स की अगर प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए, तो इस टीम में सबसे पहले ओपन करेगा सैम करन और फैब डुप्लेसिस, ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है दोनों ही। उसके बाद 3 नंबर पे शेन वाटसन, 4 नंबर पे अंबती रायडू, 5 नंबर पे MS धोनी, 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा, 7 नंबर पे ड्वेन ब्रावो, 8 नंबर पे दीपक चाहर, 9 नंबर पे शार्दुल ठाकुर, 10 नंबर पे पीयूष चावला और लास्टली 11 नंबर पे करण शर्मा। तो ये मेरे तरफ से प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम RR यानी राजस्थान रॉयल्स की प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 की अगर बात करें, तो सबसे पहले ओपन करने वाला है रॉबिन उथप्पा या फिर यशस्वी जायसवाल के बीच में कोई भी एक। उसके बाद दूसरे नंबर पे जॉस बटलर, तीसरे नंबर पे स्टीव स्मिथ, 4 नंबर पे संजू सैमसन, 5 नंबर पे रियान पराग, 6 नंबर पे बेन स्टोक्स, 7 नंबर पे राहुल त्रिवेदिया, 8 नंबर पे जॉफ्रे आर्चर, 9 नंबर पे श्रेयस गोपाल और लास्टली 10 नंबर पे कार्तिक त्यागी और 11 नंबर पे जयदेव उनादकर। तो ये मेरे तरफ से प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद अगर बोला जाए कि दोनों टीमों में से कौन सा टीम जीतने वाला है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतने वाला है, तो ये बोलना बहुत ही टफ होने वाला है, लेकिन जो भी टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगा और 160 के ऊपर का स्कोर खड़ा कर देगा, तो उस टीम का थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला है इस मैच में। लेकिन मुझे अगर बोला जाए कि परसेंटेज देने को, तो मैं CSK को 51% और RR यानी राजस्थान रॉयल्स को 49% से आगे पीछे रखने वाला हूँ, क्योंकि CSK का थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होने वाला है उनके कैप्टन की वजह से, मतलब MS धोनी की वजह से। तो आप लोगों का क्या राय है कि कौन सा टीम जीतने वाला है इस मैच में, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का राय ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर ये वीडियो तो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया, तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अगर ऐसे ही वीडियो डेली और भी देखना चाहते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।